गाइस इस टाइम स्लो एंड फास्ट वाले वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंड पर है, तो इसलिए बताता हूँ कैसे आप कुछ इस टाइप की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। वीपीएन कनेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको कैपकट एप्लीकेशन में आपको अपनी वीडियो को ओपन कर लेना है। वीडियो एड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एड ऑडियो पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आपको उसको डाउनलोड करके यहाँ पर आपको उसको ऐड कर लेना है। ऑडियो एड हो जाने के बाद फिर आपको वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको स्पीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नॉर्मल पर जाके इसकी स्पीड को आपको 0.4 या 3 कर देना है। फिर आपने जिस म्यूजिक को ऐड किया है उसमें जितने भी बीट होंगे आपको उन बीट के हिसाब से वीडियो में कट लगा देना है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, और लास्ट में जितना भी बचा हुआ पार्ट होगा आपको उन सबको डिलीट कर देना है। ये सब काम हो जाने के बाद आपको चले आना है इफेक्ट्स पर, यहाँ पर आपको वीडियो इफेक्ट्स पर चले आना है, और फिर आपको चले आना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ब्लर इफेक्ट्स मिल जाएंगे, तो जो आपको अच्छा लग रहा होगा आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस वाले ब्लर इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इफेक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप से हमारा इफेक्ट शो हो रहा है। आप चाहे तो इसकी सेटिंग को भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअल ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये सब काम हो जाने के बाद आपको फिर से चले आना है वीडियो इफेक्ट्स पर, और यहाँ पर आपको चले आना है ट्रेंड पर, और यहाँ पर आपको ऑप्टिकल जूम इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है, और इसकी सेटिंग को आपको अपने वीडियो को अकॉर्डिंग कर लेना है, और इस वाले इफेक्ट्स की लेंथ को आपको इस वाले क्लिप तक रख लेना है। फिर आपको यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा वर्टिकल ब्लर, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट सिलेक्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कितना क्रिएटिव आपका वीडियो लग रहा है। फिर आपको इस वाले क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको चले आना है एनिमेशन पर, और यहाँ पर आपको ढेर सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, तो जो आपको पसंद आ रहा होगा आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको लास्ट वाले क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको चले आना है एनिमेशन पर, और यहाँ पर आपको चले आना है कॉम्बो पर, और जो आपको एनिमेशन अच्छा लग रहा होगा आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब काम हो जाने के बाद आपको फिर से चले आना है वीडियो इफेक्ट्स पर, और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा सेक, आपको उस वाले इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको इस वाले इफेक्ट्स की लेंथ को आपको यहाँ तक रख लेना है। ये सब काम हो जाने के बाद इसकी इंटेंसिटी को 6 और 7 के बीच में रख लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइप से हमारा वीडियो लग रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रिएटिव है। तो यहाँ से मैं इस वाले इफेक्ट्स को सेट करना भूल गया था, तो इसको मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो ये सब काम हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और इफेक्ट ऐड करना है, तो इसके लिए आपको चले आना है वीडियो इफेक्ट्स पर, और यहाँ पर आपको व्हाइट फ्लैश नाम से एक इफेक्ट मिल जाएगा, आपको उसको ऐड कर लेना है। फिर आपको इस वाले इफेक्ट्स की लेंथ को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा हो जाने के बाद फिर आपको कॉपी करके कुछ इस टाइप से लगा देना है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको इस वीडियो को हाई क्वालिटी के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।